अगर आप लोग नई गाड़ी लेने की सोच रहे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्योंकि हम आज बात करेंगे भारत की सबसे सस्ती गाड़ियों के बारे में, जो कि हमने आज चार गाड़ियां सिलेक्ट की हैं और चारों गाड़ियां 5 लाख रुपए के अंडर में आती हैं एक शोरूम प्राइस के। तो हम आज उन चारों गाड़ियों के बारे में बताएंगे, साथ ही इनके अंदर भारत की मोस्ट सेलिंग कारें भी हैं। साथ ही अगर बात की जाए इनके प्राइस रेंज की, तो प्राइस रेंज भी कंपनी के द्वारा बहुत ही कम रखा गया है। तो दोस्तों, हम आज एक ऐसी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, साथ ही आपको सारी जानकारियां देंगे, जितने फंक्शन फीचर्स है वो बताएंगे, लेकिन हम आज इनके डायमेंशन सिस्टम और इनकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने आज कोई चार गाड़ियां उठाई है, जो कि जिनमें से तीन तो मारुति सुजुकी है और एक अगर देखी जाए तो दूसरी कंपनी की है। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे चारों गाड़ियों के बारे में, साथ ही जो नंबर एक से स्टार्ट करेंगे सबसे कम प्राइस रेंज से और उसके बाद ऊपर चलते चलेंगे। साथ ही अगर बात की जाए इन गाड़ियों के बारे में, तो गाड़ियां अधिकतर आप लोगों को रोडों पे देखने को मिलती है, साथ ही ये गाड़ियां नॉर्मल कारें हैं सारी, और अधिकतर बात की जाए तो सभी गाड़ियां एक से बढ़कर एक हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नंबर एक पर आती है मारुति सुजुकी अल्टो 800, जो कि भारत की मोस्ट सेलिंग कार में मानी जा सकती है। साथ ही अगर बात की जाए तो यह गाड़ी भारतीय दिलों पर राज करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक शोरूम प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी एक शोरूम प्राइस कंपनी के द्वारा मात्र 3,39,000 रुपए रखी गई है। साथ ही अगर इसके इंजन के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को 796 सीसी का 3 सिलेंडर एनलाइन इंजन देखने को मिलता है। साथ ही अगर इंजन टाइप की बात की जाए तो कंपनी इसे FAD इंजन कहती है। साथ ही फ्यूल टाइप की बात की जाए तो यह गाड़ी एक पेट्रोल कार है। अगर बात की जाए इसके अंदर मैक्सिमम पावर की, तो यह गाड़ी 47 BHP 6,000 RPM, साथ ही अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 69 Nm 3500 RPM प्रोड्यूस करती है। साथ ही अगर माइलेज की बात की जाए तो कंपनी ने इसका माइलेज 22 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से क्लेम कर रखा है। साथ ही अगर ड्राइविंग रेंज की बात की जाए तो गाड़ी की ड्राइविंग रेंज 772 किलोमीटर है। साथ ही अगर गाड़ी के ड्राइविंग सिस्टम की बात की जाए तो यह गाड़ी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। अगर ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही यह गाड़ी BS6 स्टैंडर्ड के साथ आती है। अगर गाड़ी की लेंथ के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोगों को 3445 mm का लेंथ देखने को मिलता है। साथ ही विड्थ 1515 mm, हाइट लगभग 1475 mm। साथ ही अगर व्हील बेस की बात की जाए तो 2360 mm का देखने को मिलता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। साथ ही गाड़ी का कर्ब वेट लगभग 732 किलोग्राम रखा गया है। साथ ही यह गाड़ी 5 सीटर कार है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर बात की जाए इसके अंदर मारुति सुजुकी अल्टो 800 के अंदर, तो यह गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज की गई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नॉर्मल परिवार के लिए गाड़ी बहुत ही ज्यादा लाभदायक देखी गई है। साथ ही अगर बात की जाए इसके कंफर्ट के बारे में, तो कंफर्ट तो नॉर्मल है, पर देखा जाए तो अधिकतर पहाड़ों पे यही गाड़ी देखने को मिलती है। साथ ही अल्टो 800 से लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, जैसे कि यह गाड़ी बहुत ही ज्यादा मार्केट में प्रचलित हुई है। अगर देखा जाए तो गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से इसकी सेल उठी थी एकदम, और अभी भी इसकी सेल बनी हुई है। साथ ही अगर बात की जाए इस गाड़ी के, जो अगर देखा जाए तो गाड़ी आम आदमी के लिए पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी बोल सकते हो, क्योंकि माइलेज से लेके इंजन सर्विस कॉस्ट हर चीज को देखा जाए तो यह गाड़ी बहुत ही ज्यादा रिलायबल कार मानी जा सकती है। लोगों ने इस कार को लगभग 5-5 लाख किलोमीटर भी चलाया हुआ है। साथ ही अगर देखा जाए तो बहुत कम रेट के अंदर यह गाड़ी देखने को मिल जाती है। साथ ही पहाड़ों पर भी बहुत ज्यादा देखी जाती है गाड़ी। अगर बात की जाए गाड़ी के जितने भी फंक्शन फीचर्स हैं, सब नॉर्मल आदमी के हिसाब से कस्टमाइज किए गए, इतने ज्यादा कोई खास चीजें दे नहीं रखी है, लेकिन गाड़ी अगर देखी जाए तो गाड़ी एक परिवार के लिए बहुत ही शानदार कार मानी जा सकती है। इसी पर्पज की वजह से यह गाड़ी भारतीय मार्केट में अभी तक टिकी हुई है, साथ ही सभी के दिलों पर राज कर रखी है। साथ ही अभी बात की जाए तो सबसे ज्यादा सेल ही मारुति 800 ही होती है, अल्टो 800। तो दोस्तों, अगर बात की जाए, अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हो जो फर्स्ट कार है आपकी, और अगर आप हैवी ट्रैफिक वाली सिटी के अंदर रहते हो, तो आप यह गाड़ी ले सकते हो। बात करते हैं दूसरे नंबर की कार के बारे में, जो कि है मारुति सुजुकी अल्टो K10। अगर बात की जाए इस वाले वेरिएंट की, तो अगर बोला जाए तो इसे मारुति अल्टो 800 की बड़ी बहन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को 1000 cc का इंजन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर इसके अंदर बात की जाए इंजन के बारे में, तो कंपनी इसके अंदर 998 cc का 3 सिलेंडर लाइन इंजन देखने को मिलती है। साथ ही इंजन टाइप की बात की जाए तो इसके अंदर K10C इंजन देखने को मिलता है। साथ ही अगर फ्यूल की बात की जाए तो यह गाड़ी एक पेट्रोल कार है। अगर गाड़ी के अंदर मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो आप लोगों को 66 BHP 5500 RPM, साथ ही अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो आप लोगों को 89 Nm 3500 RPM प्रोड्यूस करती है। साथ ही अगर गाड़ी के माइलेज की बात की जाए तो कंपनी ने गाड़ी का माइलेज 24.39 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से क्लेम कर रखा है। साथ ही अगर ड्राइविंग रेंज की बात की जाए तो 658 किलोमीटर। साथ ही अगर डायवर्शन सिस्टम की बात की जाए तो यह गाड़ी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। साथ ही अगर ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को मैनुअल 5 गियर ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलता है। अगर गाड़ी की लेंथ की बात की जाए तो लेंथ आप लोगों को 3530 mm की देखने को मिलती है। साथ ही अगर विड्थ की बात की जाए तो विड्थ आप लोगों को 1490 mm का देखने को मिलती है, हाइट 1520 mm। साथ ही अगर व्हील बेस की बात की जाए तो व्हील बेस आप लोगों को 2380 mm का देखने को मिलता है। साथ ही अगर बात की जाए गाड़ी के कैपेसिटी की, तो यह गाड़ी एक 5 सीटर कार है।
तो दोस्तों अगर बात की जाए गाड़ी के अंदर KTN के बारे में, तो KTN इसको अगर बात की जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज की गई है। साथ ही अगर बात की जाए इसके वेरिएंट के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा अल्टो 800 से ऊपर वाला वेरिएंट मिल जाता है। फंक्शन फीचर्स वही है, थोड़ी सी आपको इसमें डायमेंशन सिस्टम में थोड़ा अंतर आता है। साथ ही अगर बात की जाए इसके प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग में भी ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। इसकी जो एक शोरूम प्राइस है मात्र 3,99,000 रुपए रखी गई है। अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में भी ज्यादा अंतर नहीं देखा जाएगा, नॉर्मली अंतर है। अगर बात की जाए इंजन के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी के लिए एक और अच्छी बात है, क्योंकि अगर थोड़ा सा पावरफुल इंजन हो जाता है तो यह गाड़ी एसी के अंदर दबती नहीं है। बात की जाए अगर पहाड़ों के अंदर, तो आप लोगों को KTN कम देखने को मिलेगी, अल्टो तो ज्यादा ही देखने को मिलती है। साथ ही आपको ये अल्टो KTN ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिलती है। साथ ही अगर बात की जाए अल्टो KTN के बारे में, तो अल्टो KTN बहुत ही अच्छी गाड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि इसका जो पावर फिगर है वो थोड़ा अल्टो 800 से ज्यादा है। और बात की जाए तो गाड़ी के फंक्शन फीचर्स भी अच्छे खासे कंपनी के द्वारा कस्टमाइज किए गए। अभी जस्ट इसे लॉन्च किया गया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग इसी साल इस गाड़ी को लॉन्च किया था कंपनी के द्वारा, क्योंकि पहले इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था इसके पुराने वाले वर्जन को। साथ ही अगर बात की जाए गाड़ी के पूरे सिस्टम के बारे में, तो गाड़ी के अंदर बहुत ही पूरा सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज किया गया है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर भी आती है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अगर बात की जाए इस गाड़ी के एक शोरूम प्राइस की, तो इसकी एक शोरूम प्राइस मात्र 4,25,000 रुपए रखी गई है। साथ ही अगर इसके इंजन के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोगों को 998 सीसी का 3 सिलेंडर एयरलाइन इंजन देखने को मिलता है। साथ ही अगर इंजन टाइप की बात की जाए, तो इसके अंदर आप लोगों को KTNC प्रकार का इंजन देखने को मिलता है। साथ ही अगर फ्यूल टाइप की बात की जाए, तो यह गाड़ी पेट्रोल कार है। साथ ही अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए, तो 66 PHP 5,500 RPM। साथ ही अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए, तो 89 Nm 3,500 RPM प्रोड्यूस करती है। साथ ही अगर माइलेज की बात की जाए, तो माइलेज 24.12 किलोमीटर प्रति लीटर। साथ ही अगर यह गाड़ी डायवेशन सिस्टम की बात की जाए, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ऑप्शन सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही अगर ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए, तो मैनुअल 5 गियर देखने को मिलता है। साथ ही इसके अंदर आप लोगों को एक फंक्शन और न्यू देखने को मिलता है, जो कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अगर बात की जाए इसकी लेंथ के बारे में, तो इसकी लेंथ लगभग 3,565 mm, विड्थ लगभग 1,520 mm, हाइट लगभग 1,553 mm, व्हील बेस लगभग 2,380 mm। साथ ही अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, तो इसका थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, जो कि 180 mm। साथ ही अगर गाड़ी के कर्बेट की बात की जाए, तो गाड़ी का कर्बेट लगभग 726 किलोग्राम रखा गया है। यह गाड़ी भी एक 5 सीटर कार है। अगर बात की जाए इसके गाड़ी के सारे फंक्शन के बारे में, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर अगर बात की जाए, तो यह वेरिएंट आप लोगों को मिनी स्कॉर्पियो जैसा लुक देता है। साथ ही अगर बात की जाए गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसका और KTNC का जितना परफॉर्मेंस है इंजन का सेम होगा, वही इसके अंदर KTN का इंजन इसमें उठा के डाल दिया है कंपनी के द्वारा, ज्यादा और कुछ नहीं किया है, और ऊपर का शेप चेंज कर दिया है। साथ ही अगर बात की जाए अंदर फीचर्स के बारे में, तो इसका कुछ नहीं, डिजिटल मीटर, स्पीडोमीटर जो थोड़ा डिजिटल दे दिया है। साथ ही अगर बात की जाए, तो इसके अंदर आप लोगों को इंजन तो सेम देखने को मिलता है अल्टो KTN के अंदर और इसके अंदर, बस इसका थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है, थोड़ी सी गाड़ी बल्की बल्की लगती है, जैसे कि ऐसा लगता है थोड़ी ऊंची गाड़ी है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 180 mm का दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए गाड़ी के फंक्शन और फीचर्स के बारे में, तो लगभग अल्टो KTN के बराबर सेम है। साथ ही इसके अंदर आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम देखने को एक्स्ट्रा मिल जाता है, थोड़ा सा डायमेंशन सिस्टम इसका ज्यादा है। अगर बात की जाए ऑल गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी ठीक ठाक है, पर इस गाड़ी ने भारतीय मार्केट पे ज्यादा राज नहीं किया, साथ ही ज्यादा नाम भी नहीं कमाया, कोई इसको लेना भी पसंद नहीं करता है, बहुत कम लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गाड़ी ठीक ठाक प्राइस रेंज के अंदर मिल जाती है, तो गाड़ी अच्छी मानी जा सकती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए, अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हो, तो इस गाड़ी के ऊपर भी जा सकते हो, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के ऊपर। साथ ही गाड़ी के अंदर बूट स्पेस के बारे में ज्यादा कंपनी बताती है कि इसका बूट स्पेस बहुत ही अच्छा है। साथ ही अगर बात की जाए इंजन के बारे में, तो इंजन ऑप्शन सेम है, आप लोग सभी जानते हो इसका मैक्सिमम पावर क्या है क्या नहीं है, और इंजन तो इसके अंदर KTN का ही इंजन इसके अंदर कंपनी के द्वारा डाला गया है। और अगर बात की जाए इसके थोड़े से डायमेंशन सिस्टम के बारे में, तो डायमेंशन सिस्टम इसका नो डाउट और गाड़ियों से थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी ठीक ठाक गाड़ी है, जितनी ज्यादा रोडों पे दिखती तो नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो, तो इस गाड़ी को भी ले सकते हो, कि गाड़ी की शेल तो ठीक ठाक है, इतनी ज्यादा खास भी नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि है बहुत ही शानदार गाड़ी। अगर बात की जाए तो नॉर्मल गाड़ी, अगर देखा जाए तो रेनॉल्ट क्विड, पर क्विड वालों ने एक अच्छा काम किया था, इस गाड़ी को उन्होंने एनकैप के पास भेजा था, जो कि उनकी 1 स्टार रेटिंग आई। लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलो, एनकैप के पास सेफ्टी सिस्टम टेस्ट करने के लिए भेजा तो सही, मारुति नहीं भेजती है। तो नंबर 4 पर आती है रेनॉल्ट क्विड। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेनॉल्ट क्विड के बारे में। अगर रेनॉल्ट क्विड की एक शोरूम प्राइस की बात की जाए, तो इसकी एक शोरूम प्राइस 4,17,000 रुपए कंपनी के द्वारा रखी गई है। अगर बात करते हैं इसके अंदर इंजन के बारे में, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को 799 सीसी का 3 सिलेंडर एयरलाइन इंजन देखने को मिलता है। साथ ही अगर इंजन टाइप की बात की जाए, तो कंपनी इस इंजन टाइप इसके अंदर 0.8 लीटर का देखने को मिलता है। अगर बात की जाए फ्यूल टाइप की, तो यह गाड़ी पेट्रोल के साथ आती है। साथ ही अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए, तो 53 BHP 6,5600 RPM। साथ ही अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए, तो 72 Nm
4250 आरपीएम प्रोड्यूस करती है। साथ ही अगर माइलेज की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 20.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने को मिलता है। साथ ही गाड़ी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। गाड़ी के अंदर आप लोगों को 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही अगर गाड़ी के एक और फंक्शन के बारे में बात की जाए तो यह गाड़ी 0-100 जाने में 18.46 सेकंड्स लगाती है। साथ ही अगर बात की जाए गाड़ी के डायमेंशन सिस्टम के बारे में तो इसकी लेंथ लगभग 3731 एमएम, विड्थ लगभग 1579 एमएम। साथ ही अगर हाइट की बात की जाए तो 1474 एमएम। साथ ही अगर व्हील बेस की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 2422 एमएम का देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 184 एमएम का देखने को मिलता है, जो कि इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा है। अगर बात की जाए इसकी कैपेसिटी के बारे में तो यह गाड़ी एक 5 सीटर कार है। ओवरऑल बात की जाए तो सबसे बेस्ट गाड़ी मानी जा सकती है इसके अंदर अल्टो K10, जिसकी पावर भी ठीक है और इसके फीचर्स और इसकी जितनी भी स्पेशलिटी है बहुत शानदार तरीके से कस्टमाइज की गई है। क्योंकि K10 एक ऐसी गाड़ी है जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी है और देखा जाए तो गाड़ी का स्पेस भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।